गटर हूँ, मुझे जितनी गाली देनी दीजिए, मैं गाली बोल रही हूँ, मैं गटर हूँ, अच्छा है, गटर संस्कृति गाली आप दे रही हैं, हम तो लीडर बना रहे हैं, मुझे गाली आप दीजिए, हम लोग गटर संस्कृति दिखा रहे हैं, हम लोग तथ्यों पर रहे हैं, हम लोग अपनी भाषा की मर्यादा रहे, इससे सभी का फायदा होगा, सभी को लाभ मिलेगा। एम एच खान जी प्रवक्ता है बहुजन समाज पार्टी के, क्या आपके बड़े एक तरह से वोट बैंक में सेंध लगाई जा रही है, मायावती इस समय दिख नहीं रही है, इसकी क्या वजह है खान साहब? नहीं, वजह कुछ नहीं, क्या दिख नहीं रही, बहन जी ने तुरंत सुबह सुबह कंडम किया है, ट्वीट किया है, और आज आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो बातें आदरणीय योगी जी के लिए कह रहे थे, योगी जी खुद ही सन्न थे कि जो हमने काम नहीं किया वो गिना रहे प्रधानमंत्री जी। आज आज ही के दिन तो आगरा में हत्या हुई है, आप कह रहे हैं लाल ऑर्डर ठीक है, आज ही के दिन जिस दिन भारतीय जिस दिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक है, उसी दिन थाने में हत्या हो गई, गोरखपुर में हत्या हो गई, लखीमपुर खीरी में इनका इन्हीं का राज्य मंत्री इनका बेटा और वो गाड़ी चढ़ा दिया किसानों पर, कह रहे कानून व्यवस्था सही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं सही है, चौपट राज है, जंगल राज है, गुंडा राज है। और आज क्यों नहीं बात किया प्रधानमंत्री जी ने कि किसानों के लिए हम डीजल का पैसा कम करेंगे, आम आदमी के लिए पेट्रोल का पैसा कम करेंगे, क्यों नहीं बात किया आपने, महंगाई पर क्यों नहीं चर्चा किया आपने, क्यों नहीं चर्चा किया आपने? लेकिन आप तो जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को हम देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता को देख रहे हैं कि वो आगरा भी जा रही हैं, लखीमपुर खीरी भी जा रही हैं, बहन जी इस तरह से फ्रंट फुट पर नहीं बैटिंग कर रही हैं, क्या इसकी कोई खास वजह है? गौरव जी जरा बताइएगा, गौरव जी जरा बताइएगा, सोनिया गांधी कहाँ जा रही है, सोनिया गांधी किस जगह पे दौड़ रही है, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं, हमारे पास भी जनरल सेक्रेटरी है, हमारे पास कोऑर्डिनेटर वो सारे पहुंच रहे हैं, सोनिया गांधी का नाम बताइए ना कहाँ पहुंच रही है, सोनिया गांधी किस इलाके पहुंची है आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रियंका गांधी एक जनरल सेक्रेटरी है और कुछ नहीं है, और यहाँ की बात करती है 40% महिलाओं की, क्यों नहीं राजस्थान की बात करती है, राजस्थान के अंदर जो दलित समाज के लोग मारे गए 40-50 हजार रुपया दिया क्या कांग्रेस ने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों अलग नहीं है, और इसीलिए आपने भी इनका डिबेट शुरू में कांग्रेस बीजेपी करा दिया। नहीं, मैं ये तो सबसे पहला प्रश्न तो समाजवादी पार्टी से पूछा, नहीं नहीं ये आरोप हम पर ना लगाइए सर, ये आप पहले राउंड में आप मेरे पास नहीं आए, आप पहले राउंड में इन लोगों को लड़ाने लगे, लड़ लो खूब अपना बना लो, ये थोड़ी है सर, हम ये पहला राउंड ही चल रहा है, अभी दूसरे राउंड पर तो पहुंचे ही नहीं है, दूसरे राउंड पर तो पहुंचे ही नहीं, अभी तो पहला ही राउंड चल रहा है, लेकिन सुप्रिया श्री ने बहुजन समाज पार्टी भी यही आरोप लगा रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा केवल जहां विपक्ष में है वहीं पर जा रही है दलितों के घर पर, जहां उनकी अपनी कांग्रेस की सरकार है वहां बिल्कुल सन्नाटा। सुप्रिया श्री ने जी नहीं, मैं इसका पूरी तरह से खंडन करती हूँ, इसका तथ्यात्मक खंडन है, जहां पर हमारी सरकार है वहां पर कानून है, व्यवस्था है, वहां पर प्रणाली है, यहां पर कोई प्रणाली नहीं। अगर आपकी अनुमति हो सर, आप बहुत वरिष्ठ है सर, आपने अपना पक्ष रखा, अब सुप्रिया जी उसका उत्तर देना चाहती है, मैम प्लीज बोलिए। एमएच खान जी, मैं आपकी थोड़ी वरिष्ठता की वजह से रिस्पेक्ट करती हूँ, प्लीज बीच में ना बोले, जैसे मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रही हूँ, थोड़ा सिविलिटी से डिबेट करिए, ये बदतमीजी भाजपा को करने के लिए छोड़ दीजिए, हम लोगों को ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। पहली